तो क्या सारी जिंदगी तू मेरे गले पड़ा रहेगा? हाँ हाँ, सारी जिंदगी तुम्हें थारे गले ही पड़ा। पैसा फिर भगवान बाबू देते जाना। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टॉकर्स बोले चैनल पर, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्टोरी में ऐसे बहुत से अभिनेता हुए हैं जो भले ही आज इस दुनिया में ना हो, पर उनकी अदाकारी का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश जी के बारे में। अरे अर्जुन, ओ अर्जुन! ओम प्रकाश ने कई हिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 5 दशक तक पर्दे पर अपनी कलाकारी दिखाने वाले ओम प्रकाश ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से अच्छे अच्छे कॉमेडियन को भी पीछे छोड़ दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ओम प्रकाश को हिंदी फिल्मों के श्रेष्ठ कॉमिक एक्टर्स में से गिना जाता है। साथ ही जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार और नाटकीय किस्से। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश सिब्बर था। उनके पिता एक अमीर किसान हुआ करते थे जिनकी कई एकड़ जमीन थी। लाहौर और जम्मू में उस दौर में उनके कई बड़े बंगले भी थे, लेकिन ओम प्रकाश को कभी भी अपने दौलत की तरफ मोह नहीं रहा। उनका दिल हमेशा से अभिनय के लिए धड़कता था। ओम प्रकाश ने 12 साल की उम्र में उन्हें संगीत के अलावा थिएटर और फिल्मों में गहरी दिलचस्पी थी। ओम प्रकाश शुरुआती दौर में रामलीला में भाग लिया करते थे। उन्होंने स्टेज पर सबसे पहला एक्ट रामलीला में ही किया था, जिसमें उनका किरदार सीता का था। वर्ष 1937 में उन्होंने एक आरजे के रूप में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था। 25 रुपये मासिक सैलरी मिलती थी। उनका यह रेडियो शो लाहौर और पंजाब में काफी पॉपुलर हुआ था। उनके जिंदगी का अगले किस्सा सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, ये किस्सा उन दिनों का है जब ओम प्रकाश लाहौर रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे। तब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। ओम प्रकाश रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। रास्ते में रेलगाड़ी के अंदर कुछ ब्रिटिश फौजी जवानों के साथ उनका मिलन हुआ। रेलगाड़ी फौजी जवानों से ठसाठस भरी हुई थी, मगर उनका जाना भी जरूरी था। ओम प्रकाश के पास 3rd क्लास का टिकट था और दाखिल होने के लिए सिर्फ 1st क्लास में जगह थी। उसमें 3-4 अंग्रेज सैनिक बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। ओम प्रकाश 1st क्लास में घुस तो गए, लेकिन तभी उनके दिमाग में आया कि क्यों न उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय किया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। हरगिज नहीं। ए प्यारे मोन, तुम पागल हो? पागल नहीं साहब, अब तो मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। जब फौजी अफसरों ने उनसे पूछा कि क्या वे जन्म से ही गूंगे हैं, तो ओम प्रकाश ने बड़ी खूबसूरती से अपना सिर हिला दिया। फौजी अफसर के मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हुई और उन्होंने ओम प्रकाश को भरपूर खिलाया पिलाया और ये टिकल पूरी बर्थ भी दे दी, और इस तरह खूब मजे से उनकी यात्रा पूरी हुई। किसी कर्नल या जर्नल से कम है, सलामत रहे जवाने, जवाने कसम, अब भी जिधर से गुजर जाऊं। तो इस तरह प्रकाश की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन एक शादी में जाने मन फिल्म निर्माता दिलसुख पंचोली ने उन्हें देख लिया और उन्हें बतौर अभिनेता फिल्म दया में पहला ब्रेक दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें केवल 80 रुपए की फीस मिली। ये उनकी पहली प्रमुख फिल्म थी, लेकिन फिल्मों में अभी बड़ा ब्रेक मिलना बाकी था। विभाजन के तुरंत बाद ओम प्रकाश पहले दिल्ली गए और फिर कुछ दिनों बाद मुंबई आ गए और फिल्मों में काम पाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि फिल्मों में अक्सर होता है, अपने शुरू के दिनों में ओम प्रकाश को काफी संघर्ष करना पड़ा। ओम प्रकाश को दासी फिल्म के जरिए एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिल पाई। इसके बाद आया साल 1949 का। इस साल लखपति नामक एक फिल्म में प्रकाश ने विलन का किरदार निभाया, जो कि सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। इस रोल में उन्हें खूब प्रशंसा दिलाई और उन्हें लाहौर, 4 दिन और रात रानी जैसी फिल्मों में भूमिका मिली। अब मैं तो आगरे का ताजमहल भी खरीदना चाहता हूँ, मगर कोई बेचता ही नहीं है। अपनी करियर की इस दौर में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ आजाद और राजकुमार के साथ सरगम, मिस मेरी बहार और पहली झलक में काम किया। वो अशोक कुमार के साथ हावड़ा ब्रिज और देवानंद के साथ तेरे घर के सामने में नजर आए। किशोर कुमार के साथ आशा और मनमोजी में भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुमसे मैंने ये सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, किशोर कुमार और देव आनंद जैसे दिग्गज स्टार्स के बावजूद वे फिल्मों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कमला के पति कमला प्रसाद को शिमला में मिले, अब तू ही बता बेटे कि इस कमला प्रसाद को कहाँ ढूंढूं। ओम प्रकाश ने अपने करियर में प्यार किया जा, खानदान, साधु और शैतान, गोपी, दिल दौलत दुनिया समेत कई फिल्मों में काम किया।
और हर फिल्म में उनका किरदार पहले से अलग होता था। अपनी फिल्म सफर में ओम प्रकाश ने करीब 300 से भी अधिक फिल्मों में शानदार अभिनय किया। संसार से मेरा दिल भर गया है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। मगर 1950 से 1980 तक उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई यादगार किरदार निभाए, जिनके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म में दादू का रोल निभाने वाले ओम प्रकाश तो याद ही होंगे। जी हाँ, वो अमिताभ बच्चन के साथ सरावी, जंजीर, नमक हलाल, अलाप, परवाना, दो और दो पांच, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में भी नजर आए। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी इन मूवीज में खूब हिट हुई और इन दोनों ने मिलकर अपने अभिनय से लोगों के दिलों को खूब जीता। इसके अलावा ओम प्रकाश ने चमेली की शादी, साधु और संत, आंधी, लोफर, पड़ोसन, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम और अमर प्रेम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्म नौकर बीवी का था। किसी की बेटी घर से विदा होती है तो माँ बाप के लिए वो दिन भी क्या दिन होता है। आज इस वक्त तुम्हें अपनी बेटी याद। उन्होंने अपने खुद की एक स्टाइल विकसित की थी जिसे सिनेमा प्रेमी आज भी भुला नहीं पाते हैं। ओम प्रकाश जल्द ही उस समय घर घर में पसंद किया जाने वाले एक्टर बन गए थे। उनके द्वारा निभाया गया हर रोल यादगार होता था। वो एक वर्सेटाइल एक्टर थे जिन्हें जो भी रोल दिया जाए वो उसी में ही ढल जाते थे। किसी मूवी में कभी कॉमेडियन है तो कभी समस्याओं से बोझिल पारिवारिक व्यक्ति, कभी वो मुंशी बने तो कभी खलनायक, कभी उन्होंने शराबी तो कभी चिढ़ा हुआ पति, कभी प्यार में डूबा हुआ बुड्ढा। कितना खूबसूरत पांव है, ये पांव देखकर मुझे कमाल मरोही की पाकीज़ा फिल्म याद। कभी चतुर राजनेता के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने शहजादा के साथ कई तरह के किरदार निभाए और कई डायरेक्टर्स ने भी उनके लिए ऐसी भूमिकाएं बनाई जो उन्हें लगता था कि केवल वही निभा सकते हैं। फिल्म गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई के रूप में उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को नई पहचान दी और उन्होंने साबित किया कि वो सहजता और गहराई के साथ मैच्योर भूमिका भी निभा सकते हैं। गोपी में उनकी भूमिकाओं को आज भी याद किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म में वो दिलीप साहब पर भी भारी पड़ गए थे। एक्टिंग के साथ साथ ओम प्रकाश ने फिल्म निर्माण में भी अपना हाथ आजमाया। ओम प्रकाश ने फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन शुरू किया। संगीतकार श्री रामचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, झंकार, लकीरे आदि फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई और भैया जी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद और संजू आदि फिल्मों का निर्माण किया। वो डायरेक्टर भी रहे। राज कपूर और नूतन जैसे स्टार्स को उन्होंने कन्हैया में डायरेक्ट किया। आखिरी दिनों में वे बीमार रहने लगे थे और जानते थे कि अब नहीं बच पाएंगे। ओम प्रकाश को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें मुंबई स्थित लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां वो कोमा में चले गए। 21 फरवरी 1998 को उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो मशहूर एक्टर ओम प्रकाश जी के जिंदगी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और आगे वैसे ही फिल्म हस्तियों से जुड़ी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।